शांति 23/7/2022 की साकार मुरली। मीठे बच्चे वारिस बनना है तो सदा खबरदारी रखो कि कोई भी काम श्रीमत के विरुद्ध ना हो। प्रश्न, बाप के पास दो प्रकार के वारिस हैं, कौन से? उत्तर, एक तो समर्पित बच्चे हैं जो माँ बाप की डायरेक्ट परवरिश ले रहे हैं लेकिन उनके कर्मों की गुहे गति है। दूसरे जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र और ट्रस्टी हैं, उन्हें संपूर्ण ट्रस्टी बनने में मेहनत जरूर लगती है लेकिन अगर पूरे ट्रस्टी बन जाए, सबसे ममत्व निकल जाए तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना जिसका अर्थ भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों ने जाना समझा, फिर भी बाबा विस्तार से समझाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते, परमपिता परमात्मा जो पतित पावन है उनकी महिमा बहुत है, परंतु उनकी महिमा को कोई यथार्थ रीति से जानते नहीं। वह तो और ही सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर गायन भी करते हैं पतित पावन। वह तो जरूर एक होगा ना जो सबको आकर पावन बनाते हैं, इसलिए उनको सर्वव्यापी कह नहीं सकते, जबकि उनको कहते हैं पतित पावन आओ। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता? भारत पावन था, अभी पतित है। तुम पावन दुनिया के मालिक थे, अभी पतित दुनिया में हो। जानते हो, हमको बाबा फिर से पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। जो मालिक बनाने वाले थे वही आए हुए हैं। यह है तुम्हारी चैतन्य यात्रा, जिसके यादगार फिर भक्ति मार्ग में वह यात्रा चली आती है। तुम बच्चे जानते हो कि अभी वही पूज्य देवी देवता जो पुजारी बने थे वही ब्राह्मण बने हैं, फिर सो देवता बनेंगे। बाप ही बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गुहे गति समझाते हैं। भविष्य नई दुनिया में तुम्हारे कर्म अकर्म होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, बाकी सब शांति धाम में थे। यह तो बड़ी सहज बात है कि भारत सुख धाम था, संपूर्ण निर्विकारी थे, जिन्हों का देवी देवता नाम मशहूर है, दूसरा कोई नाम नहीं लेते हैं। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी, फिर राम सीता चंद्रवंशी थे, फिर उन्होंने की डिनायस्टी कहा जाता है, इतनी और किसकी डिनायस्टी नहीं चलती है। क्रिश्चियन की भी थोड़ा समय चलती है, पहले बादशाही नहीं होती है, आधा समय के बाद जब प्रजा वृद्धि को पाती है तब राजाई चलती है। एडवर्ड जॉर्ज आदि फिरते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में फिर बदलते जाते हैं। यह एक ही डिनायस्टी है जो 1250 वर्ष चलती है, इसमें बदली सदली नहीं होती। सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनायस्टी वालों का ही नाम चलता है। समझा जाता है कि भिन्न नाम रूप देश काल होंगे, लंबी चौड़ी डिनायस्टी चलती है, चेंज नहीं होती है। इस समय तुम बच्चों को बाप बैठ अच्छा कर्म करना सिखलाते हैं। तुम बच्चे कभी किसको दुख नहीं दो। यहाँ तुम सब पढ़ने के लिए बैठे हो, अपने अपने घर में भी बहुत रहते हैं, घर में रहते हुए भी वारिस बन सकते हैं। यहाँ जब तक माँ बाप परवरिश करते हैं उन्होंने कर्मों की गति भी न्यारी है। बाकी जो बाहर रहते हैं सब कुछ बाबा का समझ ट्रस्टी बन कर रहते हैं, वह भी जैसे वारिस हो गए। हाँ, डिफिकल्टी जरूर होती है जब सबसे ममत्व टूट जाए और पूरा निश्चय हो हम सब कुछ उनके अर्पण करते हैं, जीते जी हम उनकी मिल्कियत के ट्रस्टी हैं। ऐसे कोई जीते जी बनते नहीं। जब मरने का समय होता है तब ट्रस्टी बनाकर जाते हैं, यहाँ सरेंडर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ट्रस्टी होकर रहो, यहाँ तो यह तो भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो, भगवान ने सब कुछ दिया है। अभी बाप कहते हैं बच्चे यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, अब देह सहित जो भी तुम्हारा है
उनसे ममत्व निकालना है, जिसके लिए कहते आए हो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। जब वह आएंगे तब उन पर वारी जाएंगे, उनके हवाले सब कुछ कर देंगे। यहाँ तो इनको जायदाद आदि बनानी नहीं है, यह कोई लेने वाला नहीं है, देने वाला है। कहते हैं ट्रस्टी बन पूछते रहना है, क्योंकि भूल चूक कभी भी हो सकती है। पक्का ट्रस्टी होने में टाइम तो लगता है, बाबा जानते हैं टाइम लगेगा, ट्रस्टी होने से ही वारिस बनते हैं। यहाँ रहने वाले भी ट्रस्टी बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं रिटर्न में बैकुंठ की बादशाही देता हूँ, तुम्हें दूसरा जन्म अमरलोक में लेना है, ट्रस्टी होकर फिर खबरदार भी रहना है। अक्सर करके गरीब ही निमित्त बनते हैं ऊंच पद पाने, वारिस बनते हैं, कोई फिर पिछाड़ी में चंद्रवंशी में जाकर मालिक बनेंगे, तब तक बड़ों के आगे सर्विस करते रहेंगे। अब भी कई ऐसे हैं जो कभी उन्नति को नहीं पाते हैं, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में शायद कुछ नहीं है, सर्विस करते करते पिछाड़ी में कुछ पद पा लेंगे, सो भी रहेंगे तो निकल गए तो प्रजा में भी कम से कम पद पाएंगे। बहुत हैं जो जामड़े बौने हैं, वृद्धि को पाते ही नहीं, कुछ समझते ही नहीं है, कर्म विकर्म की गति बाप ही समझाते हैं। यहाँ कुछ भी अच्छे कर्म नहीं करते तो विकर्म वृद्धि को पाते जाते हैं। तुम भी कहेंगे यह तो ड्रामा का पार्ट हुआ ना, यह भी चाहिए जरूर, जो राजाई के अंदर रहते नौकरी आदि करते रहेंगे, नौकर फिर उन्नति को पाते पिछाड़ी में राजाई पाएंगे। ईश्वर के पास रहते हुए ऐसे कर्म करते हैं तो फिर सजाएं भी बहुत खाते हैं, पद भी नीच मिलता है। इसलिए समझाया जाता है ऐसे ऐसे विकर्म नहीं करो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे। सर्विस कुछ करते नहीं, खाते रहते हैं, पढ़ते भी नहीं, यह कर्मों की गुहे गति देखो कैसी है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो स्वर्ग की राजाई पा सके, श्रीमत पर ऐसा कर्म करना है। आसुरी कर्म भी देखते हो, कितने गरीब फिर पापी अजामिल जैसे बन जाते हैं, यहाँ भी ऐसे बनते हैं। कोई तो बादशाह बनते, फिर कोई दास दासी बन पिछाड़ी में कुछ पद पा लेते हैं, ऐसे भी हैं, बाप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ रहते भी अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो नशा भी नहीं रहता है, कर्मों की गति बाप बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास, मुझे गरीबों के पाई पाई से स्थापना करनी है, मैं साहूकार निवास तो नहीं हूँ। अक्सर करके माताएं गरीब होती हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता, वह कोई हाफ पार्टनर नहीं है, नहीं तो विल करते तो आधा हिस्सा उनका उन्हों का निकालते। घर के तो बच्चे ही वारिस होते हैं, भल गवर्नमेंट ने आजकल कायदे निकाले हैं। अभी तुम जानते हो भारत बिल्कुल ही गरीब है, कुमारियां अक्सर करके गरीब होती हैं। जब तक ससुर घर जाएं विकार का सौदा हो तब मिले, यह है ही विशेष वर्ल्ड। निर्विकारी कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे, यह किसको पता नहीं है, जो निर्विकारी हैं वही फिर विकारों में गिरते हैं। भगत लोग तो समझते हैं कि कृष्ण हाजिरा हजूर है, भगवान कभी मरता नहीं है, पुनर्जन्म नहीं लेता। तुमको तो अभी ज्ञान है, जानते हो लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच स्वर्ग के मालिक थे, सीताराम को स्वर्ग का मालिक नहीं कहेंगे, यह भी अभी रोशनी मिली है। तो बाप समझाते हैं जबकि अब सदगति होती है तो दुर्गति का कोई भी कर्तव्य नहीं करना है, सबसे पहले तो देह अभिमान छोड़ना है। सबसे अच्छा कर्म है एक बाप को याद करना, देही अभिमानी हो रहना, अपनी जांच करते रहना है, कोई विकार तो नहीं आया, लोभ भी नहीं करना है। जबकि सब कुछ ईश्वर का है तो हम लोभ क्यों रखें,
तो हम लोभ क्यों रखें? हमको जो बाप कहते हैं वह करते हैं। बाप तो हर एक बच्चे की रग अच्छी तरह देखते हैं ना, पोता मेल भी देखते हैं। कोई बहुत गरीब होते हैं तो कुछ ना कुछ 15-20 रुपया बचाकर भी देते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं। बाप राय भी देते हैं, थोड़ा बहुत फिर अपने बैंक में रखो, 5, 2, 10 बैंक में रखो तो श्रीमत मिली ना। पेट को पट्टी बांधकर भी शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा इन द्वारा ही तुम्हारे रहने करने के प्रबंध में लगाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का अकेला बच्चा है, यह इकट्ठा क्यों करेगा, जबकि इसने ही अपना सब कुछ माताओं की सेवा में लगाया है, सब कुछ दे दिया। यह बच्चियां फिर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाती हैं। तुम जानते हो हमारे देवी देवताओं का गृहस्थ धर्म पवित्र था, अभी तो पतित बन गए हो। तब बाबा समझाते हैं, यह भी ट्रस्टी हो गया ना, तुम माताओं को ट्रस्टी बना लिया, तुम यह संभालो, ममत्व टूट गया। बाप ने साक्षात्कार करा दिया कि तुम विश्व के मालिक बनते हो। विनाश की तैयारियां भी देख रहे हैं, परंतु यह कोई नहीं समझते कि विनाश कराने वाला कौन है। कोई प्रेरक जरूर है, समझते भी हैं कि विनाश होने वाला है, जरूर भगवान भी होगा, परंतु किस रूप में होगा? कृष्ण कैसे आए? भलकृष्ण का रूप बहुतों का बना देते हैं, परंतु वह तो आर्टिफिशियल हो जाता है। बहुत हैं जो कृष्ण का रूप बनाकर ठगते हैं। कोई का फिर जड़ मूर्ति में भाव बैठ जाता है तो वैसे ही साक्षात्कार हो जाता है, और फिर जाकर उनको चटकते हैं, क्योंकि कृष्ण है मोस्ट लवली बालक स्वर्ग का, उनमें कशिश बहुत है। बाबा से बहुत भारी वर्षा लेना होता है। बाप बैठ समझाते हैं कर्मों के ऊपर। बाबा से अगर कोई पूछते हैं तो बाबा झट बता सकते हैं, यह कुछ समझते ही नहीं। कर्म ऐसे करते हैं जो विकर्म ही होता है। देह अभिमान बहुत रहता है, भल शिव बाबा कहते रहते हैं, ऐसे तो शिव बाबा के भगत बहुत है, काशी में भगत बैठे हैं, उनका यह मंत्र है, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, समझते हैं गंगा इनसे निकली है, इसलिए गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं, समझते हैं हम वहां मुक्त हो जाएंगे, शिव काशी उच्चारते हैं। फिर दिखाते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या गंगा द्वारा पतित से पावन हो जाएंगे? पतित पावन को तो पुकारते हैं ना, वह कौन है? कैसे सहज राजयोग सिखाते हैं यह कोई नहीं जानते। शिव बाबा को कैसे याद किया जाता है यह भी तुम जानते हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, तुम्हारी जिस्मानी यात्रा बंद है, वह होती है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। बाप कहते रहते हैं, बच्चे घर को याद करो, यह छी छी दुनिया, छी छी पुराना शरीर है, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको वापस ले जाऊंगा। इस महाभारत की लड़ाई में कितने खत्म होने वाले हैं, इतने करोड़ों मनुष्य हैं, उनकी आत्माएं कहाँ जाएंगी? अपने अपने धर्म के सेक्शन में स्टार मिसल जाकर रहेंगी, उसे ही कहा जाता है निराकारी दुनिया। वर्ल्ड उसको कहा जाता है जहां बहुत रहते हैं। अगर कहें ब्रह्म में लीन हो जाते हैं तो वर्ल्ड तो हुई नहीं। गाया जाता है निराकारी दुनिया जिसमें आत्माएं रहती हैं, जिनको फिर पाठ बजाने आना है। यह अविनाशी ड्रामा है, प्रलय तो कभी होती नहीं। सतयुग से कलयुग तक मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, वहां दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ तुमको नॉलेज का मालूम है, वहां सतयुग में नॉलेज नहीं रहती। इस समय तो बाप आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेव बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जीते जी देह सहित सबसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बनकर रहना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। दूसरा, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, रोज अपना पोता मेल देखना है कि मेरे में कोई विकार तो नहीं है। देह अभिमान छोड़ एक बाप को याद करने का श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान, अपने क्षमा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले मास्टर क्षमा के सागर भव। यदि कोई आत्मा आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करे, अकल्याण की वृत्ति रखे, उसे भी आप अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो मास्टर क्षमा के सागर बन क्षमा करो। आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं, लेकिन क्षमा करना अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। स्लोगन, स्वयं को और सर्व को प्रिय वही लगते हैं जो सदा खुशहाल रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि